हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। माई सेल्फ पूनम शर्मा, द एजुकेटर फ्रॉम रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल, आई वेलकम यू ऑल टू आर ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 12। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ओके, आपको ये बॉक्स में से वर्ड्स लिखने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स करना, ब्लैंक्स में लिखने हैं। ग्रे कैट लुक्ड अप एंड सॉ रॉबिन रेड ब्रेस्ट सिटिंग ऑन अ ब्रांच। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड। कैन यू सी द स्पॉट ऑन माय टेल? Want your crumbs, said Robin. The king and the queen asked what they could do to reward Robin Breast. Okay, अब read the hints and write the words, choose from the box. अभी ये words दिए हैं हमको, उसको हमको choose करके लिखना है। I wear this on my wrist, it tells me the time. ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग हाथ की कलाई पर बांधते हैं और जो हमको टाइम भी दिखाता है? तो इट इज़ वॉच, स्टूडेंट्स, है ना? द ऑपोजिट ऑफ राइट इज़, राइट का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? रॉन्ग। वेन वी टाई समथिंग विद द स्ट्रिंग वी मेक दिस नॉट। जब हम कोई भी चीज़ को डोरी से या धागे से बांधते हैं तो उसको हम गांठ लगाते हैं कि नहीं? जो गांठ हम लगाते हैं उसको बोलते हैं नॉट। ओके, 60 मिनट्स मेक वन डैश। 60 मिनट्स मिलके क्या बनाते हैं? एक आर, एक घंटा। ओके, द यंग वन ऑफ अ काव इज अ काफ। वी कट फ्रूट विथ अ नाइफ। हम लोग फ्रूट्स से, हम लोग नाइफ से फ्रूट्स को कट करते हैं। ओके, नाउ द टिक द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है इन दोनों में से उसको टिक करना है। अ टाइगर हैज़ हाई स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, क्या ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी? तो ब्लैक, तो इसलिए हम ब्लैक को टिक करेंगे। नाउ द ग्रेप्स आर स्वीट, क्या एम्प्टी? स्वीट यानी मीठे, एम्प्टी मतलब खाली, तो द ग्रेप्स आर स्वीट। नीना हैज़ राउंड हेयर्स, क्या कर्ली हेयर्स? तो कर्ली। फिरोज स्लीप्स ऑन अ बिग पिलो, क्या बिटर पिलो? बिग मतलब बड़ा, बिटर मतलब कड़वा। ओके, मंजीत बॉट अ न्यू अम्ब्रेला, क्या हैप्पी अम्ब्रेला? तो न्यू। ओके, नाउ वी विल टर्न द पेज। Fill in the blanks with A or N. Okay. यहाँ पर लिखा भी है the vowel sound words. हम लोग N कहाँ पर use करते हैं? We use N before a naming word that begins with vowel sound A, E, I, O, U. Okay. वो words जो A, E, I, ओ या यू से स्टार्ट होते हैं उसके आगे हम लोग एन यूज़ करते हैं। ओके, जैसे एन एंट एंड अ डव। ओके, ए से एंट आता है इसीलिए उसके आगे एन यूज़ करा है। अंडरस्टूड? अ ग्रास ओपर एंड एन एलिफेंट। अंडरस्टूड? अ गूस एंड एन एग। एन ऑक्स एंड अ फ्रॉग। A cat and a mouse, a washerman and a donkey. Okay, now next page. Write A or N to complete these sentences. My aunt's name is Mrs. Kokila Sen. She is a teacher. There is an owl sitting in the tree. Yasmin had an idli and an apple for breakfast. My grandma bought me a bicycle. An ant is an insect. Have you seen an ostrich?
ओके तो स्टूडेंट्स इतना सब आपको करना है आज के लिए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, दिवाली वैकेशन स्टार्ट होने वाला है तो मैंने आपके लिए एक एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क आपको प्रिपेयर करके मैंने दिया है, वो होमवर्क आपको आज मिल जाएगा। तो वो होमवर्क में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको कोई भी 3 डिफरेंट फोटोग्राफ्स टेक करनी है जो आपने खींची हो, ओके, और वो पिक्चर को आपको पेस्ट करना है, चिपकाना है आइदर ऑन अ चार्ट पेपर और नोटबुक के अंदर कहीं पर भी, नोटबुक में नहीं चार्ट पेपर पे आप स्टिक करो, या तो जो प्रोजेक्ट के जो पेपर्स होते हैं उस पे आप स्टिक करिए। और जैसे ही आप फर्स्ट पेपर फ़ोटो स्टिक करोगे तो वो फ़ोटो किस चीज़ के बारे में है वो फ़ोटो को आपको डिस्क्राइब करना है आपके ओन वर्ड्स में। जैसे अगर जो आपने पहली पिक्चर स्टिक करी है सपोज़ अगर वो केक की है सपोज़, तो आपको वो डिस्क्राइब करना है क्या वो कौन सा केक है, आपको क्यों पसंद है, ओके, या कुछ भी। अगर आपने कोई भी एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करी है जैसे डॉग की, तो वो डॉग के बारे में लिखना है सब चीज़, आपने कहाँ वो फ़ोटो क्लिक करी है, कैसा है, वो आपको सब डिस्क्राइब करना है। तो ऐसे कोई भी 3 फ़ोटोग्राफ आपको खींचने हैं और वो फ़ोटो क्लिक करके आपको चार्ट पेपर पे स्टिक करना है वो तीनों फ़ोटो। और जैसे आप फर्स्ट फ़ोटो पेस्ट करोगे तो उसके नीचे आपको वो फ़ोटो के बारे में डिस्क्रिप्शन करना है, डिस्क्राइब करना है वो फ़ोटो को। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया, तो ये आपका दिवाली का एक्टिविटी होमवर्क है जो आपको दिवाली में कंप्लीट करना है। एंड स्टूडेंट्स आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ हैप्पी न्यू ईयर, स्टे सेफ, एंजॉय दिवाली, बट आपको सेफ्टी रूल्स भी फॉलो करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर द डे, माई सेल्फ पूनम शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियन इंटरनेशनल स्कूल, मीट यू ऑल नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ एट योर होम, बाय बाय।